गणपति बप्पा मोरया। 13 तारीख को आगमन होने वाला है गणेश जी का। गणेश जी जिन्हें दोस्तों हम हिंदू पूछते हैं, किसी भी देवी देवता की आरती करने से पहले गणेश जी की आरती की जाती है ताकि कार्य मंगलमय हो। चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे नई कार खरीद रहे हो या फिर नया ऑफिस खरीद रहे हो, हमेशा गणेश जी का पूजन होता है। और ऐसे में दोस्तों मुंबई की अगर बात करें तो गणेश चतुर्थी यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। लिटरली आई वॉज अमेज जब मैंने पहली बार गणेश चतुर्थी यहाँ पे देखी थी। हर एक गली में पंडाल होते हैं, भव्य भव्य एकदम मूर्तियां होती हैं, मूर्तियों के अलग अलग शेप होते हैं, साइज होते हैं, कोई चील के ऊपर बैठा होता है, कोई शिव जी जी के रूप में होता है, एकदम अलग अलग होते हैं, बहुत ही ज्यादा वैरायटी होती है। और प्लस गणेश चतुर्थी को एक अलग ही रंग देता है मुंबई का लाल बागचा राजा। लाल बागचा राजा को इस साल 2018 में 85 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मुंबई के सबसे बड़े गणपति में से एक दोस्तों लाल बागचा राजा है, बहुत ही ज्यादा फेमस है लाल बागचा राजा। नागपुर से, सोलापुर से, बड़ी बड़ी जगहों से जहां पे गणेश चतुर्थी मनाई जाती है धूमधाम से, वहां के लोग लाल बागचा राजा आते हैं। एंड फाइनली लाल बागचा के राजा के लुक को डिसाइड करके उनके लुक को रिवील कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, लाल बागचा राजा जो गणपति जी हैं उनका लुक रिवील कर दिया गया है। आपको कोटि कोटि नमन फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई फ्रॉम फिल्म मियारा लाल बागचा राजा। एंड ये जो लुक है दोस्तों इस बार एकदम हटके लुक दिया गया है। आपको बता दूं हर साल हटके लुक दिया जाता है। 2016 में अगर आपने देखा होगा इंटरनेट पे आप पिक्चर्स चेक कर सकते हैं जहां पे लाल बागचा राजा के पीछे उल्लू को बिठाया गया था, एक औल को बिठाया गया था। क्यों? क्योंकि ऑस्पिशियस मानते हैं, लक्ष्मी जी का वाहन होते हैं उल्लू। और हमने तो देखा ही है कि फोटोज में लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी बैठी रहती हैं। तो इस बार दोस्तों सरस्वती जी के वाहन यानी कि मोर को, मोर पंख पीछे लगाए गए हैं गणेश जी के। 2017 में जो गणेश जी बनाए गए थे दोस्तों उनके ठीक पीछे कछुआ रखा गया था। और कछुआ तो हम जानते हैं कि वो ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन आते हैं। आपको बता दूं लाल बागचा राजा सेलिब्रिटीज का भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। वीआईपी एंट्रीज होती हैं, वीवीआईपी एंट्रीज होती हैं और वहां पर मतलब झुंड होता है, मेला लगा रहता है। क्या सेलिब्रिटी, क्या दर्शक, सब लोग आते हैं, क्या नॉर्मल पीपल, सब लोग आते हैं, गणपति जी के पैर में अपना माथा टेकते हैं, उनसे अपनी विनती करते हैं और उसके बाद वो खुशी खुशी घर चले जाते हैं। लाल बागचा राजा का ये जो नया लुक आया है ये बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस लग रहा है एंड हम सबके दिल को जीत के ले जा रहा है। इस बार जो खास है वो है पीछे मोरपंख। आप अगर ध्यान से देखेंगे मोरपंख पूरे एकदम फैला रखे हैं और लाल बागचा राजा अपने भव्य अट्रैक्शन में है, भव्यता है उनके अंदर। मैं भी जरूर जाऊंगा लाल बागचा राजा और गणपति जी के दर्शन करने के एक मौका जो मिलता है हमें ये गणेश चतुर्थी का, उसमें जरूर जाऊंगा। आप भी अगर मुंबई रहते हैं, मुंबई विजिट कर रहे हैं इस गणेश चतुर्थी के दौरान, तो प्लीज 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 गणेश जी से मिलने के लिए लाल बागचा राजा जाइए, वहां पे जाके ब्लेसिंग लीजिए और खुशी खुशी घर वापस आ जाइए। तो एक बार फिर से गणपति बाप्पा मोरया।